इतने बजे शुरू होगा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला। इन शानदार खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया, ये होगी भारतीय टीम की स्क्वाड। तो वहीं पर शेड्यूल का हुआ अनाउंस, इसके साथ ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दमदार खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के शेड्यूल के साथ ही भारतीय टीम की स्क्वाड भी घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार हिटमैन रोहित शर्मा की कप्तानी के साथ ही किन किन शानदार खिलाड़ियों को टीम में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस खिलाड़ी के हाथ में वाइस कैप्टन की भूमिका दी जाएगी। तो इसके साथ ही हम आपको बताएंगे इस सीरीज के पूरे शेड्यूल के बारे में। इसके साथ ही इस सीरीज से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस सीरीज को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे। तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम शानदार जीत दर्ज करे और वेस्ट इंडीज़ की टीम को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करे तो दोस्तों, हम बात करें इस टी20 सीरीज के बारे में। तो यहाँ पर भारतीय टीम की कप्तानी जो कि हिटमैन रोहित शर्मा करेंगे, हालांकि हार्दिक पांड्या टीम में शामिल रहेंगे, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा की मौजूदगी में इस टी20 सीरीज की कप्तानी एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी जाएगी। भारतीय टीम की इस टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल भी घोषित हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले भारतीय टीम के स्क्वाड की हम बात करें तो टीम इंडिया के कप्तान जो कि हिटमैन रोहित शर्मा है, तो वहीं पर दूसरे खिलाड़ियों की हम बात करें तो दूसरे खिलाड़ी के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन टीम इंडिया का हिस्सा है। तो वहीं पर तीसरे खिलाड़ी के रूप में केएल राहुल मौजूद रहेंगे। तो चौथे खिलाड़ी जो कि सूर्य कुमार यादव रहेंगे। पांचवें खिलाड़ी के रूप में दीपक हुड्डा को मौका मिलेगा। तो छठे खिलाड़ी के तौर पर सरेश अय्यर टीम का हिस्सा है। सातवें खिलाड़ी जो कि दिनेश कार्तिक है। तो आठवें खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत जो कि फिट हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। नवे खिलाड़ी के रूप में भुवनेश्वर कुमार टीम का हिस्सा रहेंगे। तो दसवें खिलाड़ी जो कि आवेश खान है। ग्यारहवें खिलाड़ी के रूप में हर्षल पटेल को टीम में शामिल किया जाएगा। बारहवें खिलाड़ी के रूप में अर्शदीप सिंह टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। तो तेरहवें खिलाड़ी के रूप में वाइस कैप्टन जो कि हार्दिक पांड्या मौजूद रहेंगे। चौदहवें खिलाड़ी के तौर पर जो कि रविंद्र जडेजा टीम का हिस्सा है। तो वहीं पर पंद्रहवें खिलाड़ी अक्षर पटेल हैं। तो वहीं पर सोलहवें खिलाड़ी की हम बात करें तो सोलहवें खिलाड़ी के रूप में रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। सत्रहवें खिलाड़ी रवि बिश्नोई हैं। तो वहीं पर अठारहवें खिलाड़ी के रूप में कुलदीप यादव को टीम इंडिया में जोड़ा गया है। यानी कि यहां पर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे, लेकिन वो वाइस कैप्टन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। रोहित शर्मा की मौजूदगी में यहां पर यह टी20 सीरीज खेली जानी है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर पहला टी20 मुकाबला जो कि 3 अगस्त को भारतीय समयानुसार शाम के 8 बजे शुरू होने वाला है। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला जो कि 6 अगस्त को खेला जाएगा और यह मुकाबला भी भारतीय समयानुसार शाम को 8 बजे शुरू होगा। इसके बाद तीसरा टी20 मुकाबला 8 अगस्त को खेला जाएगा। तो चौथा टी20 मुकाबला 12 अगस्त को खेला जाना है। इसके बाद फाइनल टी20 मुकाबला यानी कि पांचवा टी20 मुकाबला जो कि 13 अगस्त को भारतीय समयानुसार शाम के 8 बजे खेला जाएगा। यानी कि यहां पर पांचों ही मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम के 8 बजे ही शुरू होंगे और इन मुकाबलों को आप लाइव देख पाएंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर भी। तो दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले में क्या वेस्ट इंडीज़ दौरे पर इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम शानदार जीत दर्ज कर पाएगी। इसके साथ ही आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि हिटमैन रोहित शर्मा या फिर हार्दिक पांड्या दोनों में से किसके हाथों में कप्तानी रहनी चाहिए, आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।